This is gonna be my new favorite mocktail from now. And it looks very tempting. It has a lot of chicken in it. Just have a look at it. Veg mini potlis are here. I'm gonna just open it up for you guys. My stuffing gir gayi hai. I'm gonna eat the cover. I cannot wait to eat. Welcome to yet another episode of Wonderful Vasai on the Poo Factor. So guys, during my research on various restaurants at Vasai, I was actually looking out for something very unique, something different for you all to experience. So then I came across this beautiful restaurant called the Oceanist. And guess what? It is based on ocean theme. So I'm very excited to go inside and check out how the ambience is, how the food is, and I cannot wait to show you all. So you guys are coming with me right now and checking out how this place is. The Oceanist is located at Bhabula Naka, exactly opposite to Sai Baba Mandir at Vasai West. It's on the first floor, so along with the stairs, you also have option of lift to go up. Hello ma'am. Hello. Welcome to the Oceanist. Thank you. So guys, we are inside Oceanist restaurant and I'm with the manager, Mr. Shambhu, and he's gonna take me around and show the restaurant. ये हम लोग का ग्रीक सेक्शन है। So यहाँ पे एक प्यारी सी बोट जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फॉर ये कपल सिटिंग है। हाँ, कपल सिटिंग पूरा गार्डन सेक्शन है। ओह। गार्डन सेक्शन में बनाया है, बाहर का व्यू देखिए। कम कम। दोपहर है उसके लिए ये बंद रखा हुआ है। इवनिंग के टाइम पे ये ओपन करके बाहर का पूरा आप व्यू दे सकती है। ओके। यहाँ से आप देख सकते हो आपको पूरा बाहर का व्यू मेन भाबोला रोड गाइस। हाँ, पूरा लाइक आपको सब व्यू मिल जाएगा। कैंडल लाइट डिनर के लिए स्पेशली है। ओके। लाइक इवनिंग में सब यहाँ पे इस पे कैंडल लाइट डिनर होता है। उसके बाद हमारा ये ओशन सेक्शन है। ओके। लाइक हाँ, लोगों को लगे कि पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर बैठे हुए हैं, लाइक उस तरीके से हमने पूरा व्यू बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा पानी जैसा आपको पूरा फील आएगा आपको। एक्चुअली ये बहुत दिस इज लाइक माय फेवरेट सेक्शन टिल नाउ। उसके बाद हमारा ये गजिबो सेक्शन है। ओके। लाइक फुल्ली फैमिली, अगर कोई 8-10 लोग की फैमिली आती है उसके लिए स्पेशली फोटो खींचने के लिए ऊपर हैप्पी बर्थडे का हमने टैग लगा के रखा हुआ है। पूरा डेकोरेशन करके नाइस। सी आई लव दिस प्री प्रिपरेशंस। इट सेज हैप्पी बर्थडे। सो स्पेशली हमने बर्थडे केक कटिंग के लिए रखा हुआ है। ओह। केक कटिंग करने के लिए लोगों को पूरा व्यू साथ में मिले। सो गाइस, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, दिस इज लाइक द परफेक्ट प्लेस फॉर यू एंड योर फैमिली टू कम इन। और ये पूरा फैमिली सेक्शन है, पूरा प्राइवेसी, थोड़ा सा प्राइवेसी लोगों को मिले। इसके अलावा हमने पूरा गजब बनाया है। हाउ क्यूटली इट इज मेड, सर्कुलर सिटिंग। देयर इज मोर, दिस इज नॉट द एंड। बस या 15 या 20 लोग का होता है तो हमने ये डेक सेक्शन बनाया है। आई फील लाइक अ पायरेट ऑलरेडी, लुक एट दिस। इसमें एक साथ में 20 पीपल बैठ सकते हैं पूरा। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, चेक इट आउट। कुछ भी चाहिए आपको, शैंपेन लाइक रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोजे, साइडर्स, फ्रूट्स वाइन। आई एम टेकिंग दिस होम, आई लाइक द डेकोर। दिखने में भी एकदम वेरी लाइक मस्त है, एकदम एंड रोजे, हाँ, स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली फॉर लेडीज, रोजे रेड वाइन, या आई लव द बॉटल एंड द प्रेजेंटेशन। टाइम टू ऑर्डर फूड। यहाँ का मेन्यू भी काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी का है एंड काफ़ी अच्छे से डिवाइडेड है फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर। मुझे डिसाइड करने में हमेशा दिक्कत आती है, सो द शेफ इज हियर। आफ्टर अ गुड डिस्कशन आई डिसाइडेड ऑन व्हाट आई एम गोना ऑर्डर। गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले एक फ्रेश मॉकटेल हो जाए।
इट्स रेडी। वर्जिन मोहितो यहाँ आ चुका है एंड आई जस्ट लव वर्जिन मोहितोज, दे आर वेरी रिफ्रेशिंग। लेट्स होप दिस इज इक्वली गुड। बेजल और मिंट का स्वाद एकदम खिल के आ रहा है। आई एम जस्ट लविंग दिस। सो माय सेकंड मॉकटेल दैट्स ट्रॉपिकल स्पाइसेस हियर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गुआवा एंड टबास्को सॉस। ऑल्सो इफ यू सी देयर इज रेड चिली पाउडर कोटेड ओवर द ग्लास। सो आई एम गोना टेस्ट दिस, आई कैन स्मेल द स्पाइसेस एंड लेट्स टेस्ट। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, you can feel the spices in your mouth. This is actually very nice. This is gonna be my new favorite mocktail from now. Hello madam. Hi. फक्त तुम्हाला हे दाखवायचं होतं टायटनरबद्दल। ओके, हे आमच्या रेस्टॉरंटची सर्वात बेस्ट शॅम्पेन आहे। ओके, हां लाईक ओरिजिनल शॅम्पेन, लाईक हां लोक शॅम्पेन, हां टायटनर लोक शॅम्पेन बोलले तर स्पार्कलिंग वाईनला शॅम्पेन बोलतात। हां पण ही टायटनचं बोलले तर ओरिजिनल, जे फ्रान्समध्ये जी ओरिजिनल शॅम्पेन बोलते त्याला लोक शॅम्पेन बोलतात, तर ती ही आम्ही आणून ठेवली आहे स्पेशली। ओके, सो इफ यू गाईज वॉन्ट हॅव ओरिजिनल शॅम्पेन राईट फ्रॉम फ्रान्स, सो कम टू ओशनस, सो यू गेट ओरिजिनल शॅम्पेन ओव्हर हियर। सूप आ चुका है, मुर्ग अदरक की शोरबा एंड इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग। इट हैज लॉट ऑफ चिकन इन इट, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड अदरक के पीसेस है। प्रिटी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा दिख रहा है। काउथी टमेटोज रहते हैं, चेरी टमेटोज, चेरी टमेटोज। So the first appetizer, that is sticky barbecue chicken, is here and I'm loving the presentation. Just have a look at it. Tiny tiny spoons mein chicken ke pieces hai and upar cherry tomato dala hai. Let's see how the taste is. Also we have barbecue sauce. So I'm gonna take a chicken piece. Vasaikars, try karo ise. Good. Ma'am, veg mini potli. स्टार्टर आलं हे पण, हो हे पण स्टार्टर आलं। ओके, वी गोना हॅव नाऊ। मॅम इकडे बेल आहे, तुम्हाला अजून काय लागलं नाही, फक्त बेल वाजा। ही वॉच वरती कनेक्टेड आहे आमच्या। अच्छा, तुम्ही वाजवली तर आम्हाला माहित पडेल की तुम्ही आम्हाला बोलवलंय। वाजून बघू, डिस्टर्ब, हां तुम्ही चेक करू शकता। हां, इथे टेबल नंबर 8 तुमचा आला आहे। ओ, तर टेबल वाईज वरती, हां प्रत्येक टेबल वरती हे बेल ठेवलेला आहे। हां, तर म्हणजे कोणाला आम्ही डिस्टर्ब नाही करत की वारंवार येऊन विचारणार की काय करणार। प्रायव्हसी, हां प्रायव्हसी, आणि लोकांनी हात दाखवावा, आवाज मारावी, ते पण आम्हाला आवडतं। जस्ट हिट द बेल आणि तुम्हाला बस आम्हाला माहित पडेल, आम्ही तुम्हाला येऊन सेट करू। बेल आयकन इज लाईक एव्हरीवेअर, इफ यू वॉन्ट टू गेट नोटिफिकेशन्स ऑफ माय व्हिडिओज, हिट द बेल आयकन ऑन माय चॅनल। टिंग टिंग, वेज मिनी पोटलीज आर हियर। यू कैन ऑर्डर एक्चुअली चिकन, सी फूड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट हमने ऑर्डर किया है वेजिटेरियन। सो लेट्स चेक आउट। ओके, आई थिंक इसके नीचे ऑलरेडी चटनी है एंड अब उसके साथ भी आपको चटनी मिलती है। आई वॉन्ट टू जस्ट ओपन इट अप फॉर यू गाइज। जस्ट हैव अ लुक, lot and lot of vegetables inside the potli, so stuffing whatever you choose you get that, and I'm gonna enjoy my vegetarian mini potlis. Very very nice. I also love the cherry tomatoes, so iske sath bhi cherry tomatoes aapko milenge. One more bite, मेरी स्टफिंग गिर गई है, थोड़ा ईट द कवर। चीज कॉर्न बॉल्स आर हियर, ये यहाँ की स्पेशलिटी है, लाइक द हॉट सेलर। बेस्ट थिंग अबाउट दिस व्हाट आई लाइक इज, यूजली आप जब भी चीज कॉर्न बॉल्स खाते हो दे आर लाइक मिनी साइज, बट लुक एट द साइज ऑफ दिस बॉल्स, दे आर प्रिटी ह्यूज। सो आई एम गोना ओपन दिस अप फॉर यू एंड जस्ट हैव अ लुक एट द चीज। ओह, so let's dip.
the cheese corn ball in spicy mayo sauce and put it straight into the mouth. Cheesy and gooey. Prawn sizzler is here and it looks so delicious. I cannot wait to eat. Let's taste the rice first. I love this sound that sizzlers make. Super creamy. I want to try this. It's too hot right now. Till then, let me show you आपको इस सिज़लर में क्या क्या मिलता है. You get rice, king prawns, potato wedges, and other vegetables में you get carrot, you get corn, and also you get broccoli. बहुत delicious लग रहा है. Let's try the prawns. Very delicious. Death by chocolate. Oh my god. It is actually gonna kill me. Look at this. This is called death by chocolate. It's a dessert and it has a chocolate brownie, ice cream, one more ice cream and Oreo biscuit and chocolate sauce. Let's dig in. Guys, a good dessert sets the mood right. And this death by chocolate at Oceaners is the right dessert you should have to kill your bad mood. So, where to start? So, let's start with the brownie. Ta-da! I need a countdown for this. 3, 2, 1. It's not very sugary. I don't like very sugary desserts. It's not very sweet. It's perfect. Just perfect. The amount of ice cream, the amount of chocolate sauce. It's good. Our mouth freshener is here. We have Chotu Chotu Polo in this cute little tray, which is again based on pirate theme. Khane ke baad mouth freshener to banta hai. Aye aye captain, let's sail the boat. I completely enjoyed the food, service and ambience at the Oceaners. And I definitely recommend you to try out this place with your family, friends and loved ones. Trust me, you will have amazing time. This was today's wonderful Vasai on the Poo Factor. And if you guys are looking out for a different dine-in experience, this is the place you should come in. And you all are welcome at Ocean Restaurant! Yay! Thank you so much guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And do not forget to subscribe to my channel, The Poo Factor. And follow me and Oceaners on Instagram. I'll be mentioning all the details in the description below. Take care everyone. Until next time. Ciao!